चार बाबू जी, पर कैसे कट गया? अरे देखिए ना देवर जी, सब्जी काट रहे थे, पता नहीं कैसे कट गया। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। आता देखिए तो से क्या सर माना? ठीक हो जाएगा देवर जी। भाभी जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। अब आप भी समझ जाइए ना कि हम कितने अकेले हैं। और भैया भी बोल के गए हैं कि आपका ख्याल रखने के लिए। क्या मतलब? अब हमसे क्या शर्माना भाभी जी? छोड़िए ना देवर जी, जाने दीजिए हमको। प्लीज भाभी जी। देवर जी ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज भाभी अब मान भी जाइए। एक पुरानी कहावत भी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और विश्वास पे रिश्ता। जिस रिश्ता में विश्वास होता है वो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन जिस रिश्ता में विश्वास नहीं होता है वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। और देखा जाए तो विश्वास तीन अक्षरों का एक शब्द है जिसे साबित करने में सालों लग जाते हैं। और आज का हमारा कहानी भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, मैं सोनू गिरी और स्वागत है आपको आज का इस खास एपिसोड में। क्या संगीता और उसके पति के बीच की दूरियां ऐसे ही बढ़ती रहेगी? क्या ये दोनों अपने मकसद में कामयाब है? आइए देखते हैं आज का इस खास एपिसोड में। कब आएंगे आप? बहुत दिन हो गया है, मेरा मन नहीं लगता आपके बिना। अरे सॉरी यार, अगर मुझे यहाँ काम नहीं होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। भला कौन अपनी इतनी खूबसूरत बीबी को ऐसे छोड़ के जाता है? अरे तुम चिंता मत करो, छोटू भी तो है वहाँ तुम्हारे साथ, तुम उससे बातें करो, टाइम पास करो। मेरा इस घर में अब एकदम मन नहीं लगता है। हाँ तो तुम छोटू के साथ मार्केट चली जाओ ना, तुम्हारा मन भी लग जाएगा। आप बताइए ना, वैसे आप कब आइएगा? ओके बेबी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है मैं रखता हूँ, थोड़ा सा काम है अभी। ठीक है बाय। ठीक है बाय। भाभी भाभी, अरे सो गई क्या? जी देवर जी बोलिए। अरे भाभी पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा सर दर्द कर रहा है, सर तो दर्द करेगा ही, दिन भर कॉलेज में लड़की लोग के टेंशन जो लेके घूमते हैं। अरे भाभी ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, लाइए हम आपका सर दबा देते हैं। ठीक है अब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? भाभी। हाँ बोलिए। एक बात पूछूं? पूछिए। आपका मन नहीं लगता है ना? नहीं ऐसा बात नहीं है। मतलब आप भैया के बिना कैसे रह लेती हो? क्या आपका मन नहीं करता?
ठीक है देवर जी, आप आराम कीजिए। ठीक है नोच के छोड़ देंगे तुमको। भाभी कहाँ जा रही है? अरे बैठिए, बैठ के चाय पी लीजिए। अरे नहीं, वो काम है थोड़ा सा। अरे आप कितना शर्माती हैं, बैठिए तो। चलते हैं, घर में बहुत काम है। अरे भाभी, हेलो हेलो अजी, कब आइएगा? कितना दिन हो गया आपको गए हुए। अरे यार, अभी जरूरी काम में फंसा हूँ, जैसे काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा। कौन सा काम? वहाँ आकर बता दूँगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, छोटू कैसा है? है, लेकिन देवर जी का बिहेव पता नहीं बहुत अजीब हो गया है। देखो अब जैसा भी है वही तुम्हारा देवर है ना। अब तुमसे मजाक नहीं करेगा तो किससे करेगा? और जिसकी भाभी इतनी ब्यूटीफुल हो तो कहाँ जाएगा मजाक करने। ठीक है, बाय बाय। किससे बात कर रहे थे भाभी? वो आपके भैया से बात कर रहे थे। भाभी हम समझ सकते हैं कि आपका दिन और रात कैसे बीतता होगा। देवर जी घर में मुझे बहुत सारा काम है। क्या बाबू जी, पर कैसे कट गया? अरे देखिए ना देवर जी, सब्जी काट रहे थे, पता नहीं कैसे कट गया। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। आता देखिए तो से क्या सर माना? ठीक हो जाएगा भाभी जी।
मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। अब आप भी समझ जाइए ना कि हम कितने अकेले हैं। और भैया भी बोल के गए हैं कि आपका ख्याल रखने के लिए। क्या मतलब? अब हमसे क्या शर्माना भाभी जी? छोड़िए ना दीपक जी, जाने दीजिए हमको। प्लीज भाभी जी। दीपक जी, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज भाभी, अब मान भी जाइए। नमस्ते भैया। अरे छोटू, खुश रहो, कैसा है? हम ठीक है भैया। अच्छा, तब लगता है कि अपने भाभी के हाथ से खा के मोटा गया है। सही कहा आपने, मेरी भाभी तो लाखों में एक है, और भाभी ने मेरा ऐसा ख्याल रखा है कि दिल ही खुश हो गया। अरे भाभी, क्या हुआ? भाई आप टेंशन मत लो, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ, जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। चल तुम अंदर चल जाओ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब जी, जल्दी आइए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी को? जी घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और हाँ, एक खुशखबरी है। क्या क्या खुशखबरी डॉक्टर साहब? आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर साहब, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं आज। तो ठीक है, मैं चलता हूं। ओके डॉक्टर साहब। सब कहता था कि हम कभी बाप नहीं बन पाएंगे, लेकिन आज बन ही गए। हाँ भैया, लेकिन लगता है कि भाभी को कुछ समझ में नहीं आया। संगीता, दरअसल बात यह है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। और हाँ, ये सारा प्लान मेरा ही किया गया था।
और मैं इसीलिए नाटक करके कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था ताकि तुम्हारी और छोटू के बीच नज़दीकियाँ हो सकें और मैं पाप बन सकूं। हाँ भैया, मेरे से ज़्यादा खुशनसीब कौन हो सकता है कि मैं एक चाचा बनने के साथ साथ एक कुंवारा बाप भी बन गया हूँ। क्या कर रही हो भाभी जी? अपने देवर जी के लिए दूध में चीनी मिला रही हूँ। ये लो। तुम्हारे जैसा देवर इस दुनिया में रहेगा तो देवर और भाभी के रिश्ते पे ऐसे ही दाग लगता रहेगा, इसलिए हम तुम्हारा जान ले लिए। तो देखा आपने कैसे संगीता अपने द्वारा की गई गलतियों को छिपाने के लिए अपने देवर का हत्या कर देती है। क्या इसके बारे में उसके पति को पता चल पाएगा? तो ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और देखते रहिए अलर्ट बिहार। तब तक के लिए होगी नेक्स्ट एपिसोड में भेंट। तब तक के लिए जय हिंद।